पश्चिम उपनगर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल दहिसर से हाईवे होते हुए गुंदौली तक की जो मेट्रो 7 है और दहिसर से लिंक रोड होते हुए डीएन नगर तक जो मेट्रो 2A है उसके आज यहां पर शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गुंदौली स्टेशन से उस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उस मेट्रो ट्रेन में बैठ कर वो यहाँ से मोगरा स्टेशन तक भी जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ये वो जगह है जहाँ से कि मेट्रो 1 जाती है, यानी कि वर्सोवा से घाटकोपर तक मेट्रो जाती है और ये बहुत ही अहम जंक्शन है जो कि यहाँ पर आकर मिलता है। ये स्टेशन है मेट्रो 1 का बिस्लरी, जो पश्चिम द्रुतगति स्टेशन है, और ये गुंदौली स्टेशन है। ये बीच में कनेक्टिविटी बनाई गई है, जो व्यक्ति दहिसर से आएगा वो यहाँ पर उतर कर मेट्रो 1 पकड़ सकता है और मेट्रो 1 से चाहे तो वो घाटकोपर जाए या फिर इस तरफ वर्सोवा जाए या फिर बीच में अंधेरी स्टेशन है वहाँ पर उतर कर वो लोकल ट्रेन के जरिए चर्चगेट और CST भी जा सकता है। तो ये जो दहिसर से अंधेरी तक की जो दूरी है, अगर सड़क के रास्ते हम आते हैं तो तकरीबन 1.25 घंटा कम से कम लगता है, चाहे पश्चिम से आएँ चाहे पूरब से आएँ। और ट्रेन में अगर लोकल ट्रेन में आते हैं तो बहुत खचाखच भीड़ भरी रहती है, पसीने से तरबतर होकर आना पड़ता है। लेकिन अब जबकि ये मेट्रो 7 और मेट्रो 2A की शुरुआत हो जाएगी तो लोग आराम से बैठकर कम से कम 15 से 20 मिनट में ही दहिसर से यहाँ अंधेरी पहुँच पाएंगे, यानी लोगों की यात्रा जो सफ़र है वो सुखकर होने वाला है, वातानुकूलित होने वाला है और समय भी बचेगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि लोकल ट्रेन पर जो भार पड़ रहा है वो कम हो जाएगा और साथ ही सड़क पर जो ट्रैफिक है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि एक अनुमान है कि तकरीबन 3 से 4 लाख लोग जो हैं रोजाना यात्रा करेंगे इस मेट्रो लाइन से और उसका फ़ायदा उठाएंगे। और इससे मुंबई के पश्चिम उपनगर में रहने वाले, खास करके जो अंधेरी से दहिसर तक रहते हैं, उनके लिए उनका जीवन सुखी होगा, यानी कि कहीं भी पहुंचने के लिए आसानी से वो पहुंच पाएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण दोस्त सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।